हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हॉकी की सीरीज़ के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि डिज्नी प्लस पे हमें देखने मिलेगी हॉकी की सीरीज़। तो रिसेंटली मुझे रूमर मिले हैं कि ट्रिक शॉट हमें दिखाई देगा हॉकी की सीरीज़ में, और हॉकी की सीरीज़ के स्टार्टिंग में हमें डार्क साइड दिखा जाएगा क्लिंट का, यानी कि रोनिन, वो कैसे रोनिन बना था और स्नैप के बाद क्या हुआ था वर्ल्ड में, वो सब भी दिखाया जाएगा। आप लोगों को बताइए कि हमने डायरेक्ट एवेंजर्स एंड गेम में देखा उसे कि वो रोनिन काट रहा है, फिर रहा है इधर उधर, तो उसके पहले वो कैसे क्या क्या किया वो सब बताया जाएगा हमें। मेरे हिसाब से रूमर तो ये चालू है, तो देखते हैं अब सीरीज़ में क्या देखने मिलता है हमें। और हाँ, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो मैंने बताया आप लोगों को कि रोनिन का डार्क साइड बताया जाएगा, यानी कि क्लिंट का डार्क साइड बताया जाएगा, और स्नैप के बाद क्या हुआ मतलब क्लिंट के साथ वो दिखाया जाएगा, वो फ्लैशबैक सीन होगा, तो फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा। और ये शो जाके कनेक्ट होगी यंग एवेंजर्स मूवी से। तो उम्मीद है आप लोग सुन के एक्साइटेड हुए होंगे। ये रूमर तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, बस देखते हैं अब सीरीज़ में क्या बताया जाता है। वैसे बात करूँ मेरी ओपिनियन की, तो मुझे सही लग रहा है एक तरीके से कि वो लोग सीरीज़ के स्टार्टिंग में बताएंगे कि क्लिंट रोनिन कैसे बना और फिर स्नैप के बाद क्या क्या हुआ उसके साथ, वो सब बताएंगे। तो मुझे एक तरीके से सही लग रहा है, और हमें देखने भी मिलेगा कि क्लिंट के साथ क्या क्या हुआ था, तो अच्छा तरीका है। बस मार्वल स्टूडियोज़ रूमर के हिसाब से चले ये वाले, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों में से किस किस को ये रूमर सही लग रहा है, और आप लोगों के पास कुछ थियरी या फिर रूमर या फिर आप लोगों के पास कुछ डिटेल हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो हॉकी की सीरीज़ के बारे में। तो जो मेरे फैंस हैं वो वीडियो को लाइक करो, और जो हेटर्स हैं वो डिसलाइक करो, और जो दोनों भी ने वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।